काम हो जाएगा। एसएल बहुत बड़ा है तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, टारगेट भी तो बड़ा हो जाता है, टारगेट एसएल बड़ा हो जाता तो, राइट, समझ में आ रहा है। और एक जब एसएल बड़ा हो जाता है तो क्वांटिटी कम कर दो, एसएल छोटा होता है तो क्वांटिटी बढ़ा दो, राइट। दिस इज नॉट योर रेगुलर, मैं 50-100 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। देखो ऐसे वाले ट्रेड करने मेरे को जो अभी अभी लास्ट वीक हुआ, अब ऐसा हफ्ते में एक बार भी हुआ ना तो काम हो जाएगा। लेस इज मोर, अगेन इन द चैट, लेस इज मोर। समझ में आ रहा है, येस और नो? आर यू गाइज लर्निंग? लेस इज मोर, प्लीज एक्सप्लेन दिस अगेन। सो लेट मी सी, गो बैक एंड एक्सप्लेन दिस। मुझे एक्सपायरी के दिन पे इसको एट द मनी, हमेशा एट द एटीएम, एट द मनी ऑप्शन होगा, जो भाव चल रहा है उसका कॉल और उसका पुट मुझे देखना है, राइट। या तो कॉल 60 क्रॉस करेगा या तो पुट 60 क्रॉस करेगा, दोनों कर ही नहीं सकते, वो पक्की बात है। जब वो 60 क्रॉस करेगा, कॉल का चार्ट या पुट का चार्ट, कॉल का चार्ट या पुट का चार्ट, कॉल का चार्ट 60 क्रॉस करेगा तो पहला जो कैंडल होता है उसको बोलते हैं अलर्ट कैंडल, और उसके बाद उसके ऊपर अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, अलर्ट कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, और तीन तरह के टारगेट हो जाते हैं, टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री, जितना अलर्ट कैंडल का साइज है। अब इसमें एडवांस वर्जन है, एडवांस ऑप्शंस भी है कि हम इसको और, जब अलर्ट कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक स्टूडेंट हो, बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ा अग्रेसिव बनना है, तो मैं अलर्ट कैंडल जब बन रहा है और 60 क्रॉस हो रहा है तभी भी एंटर कर सकता हूं। लेकिन वो अगर आप बिल्कुल नए हो तो अभी ऐसा काम नहीं करोगे, आप पहले जो स्ट्रैटेजी है वही करोगे। यहाँ पे लिखा है, अगर आप फिर से बार बार मैं पूछूंगा, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो पढ़ाई पे और जो दिखा रहा हूं, 15 मिनट का चार्ट, लुक एट द होल चार्ट, लिखो सुनो समझो, कॉल पुट का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक्सपायरी के दिन पे एट द मनी, कॉल का चार्ट 60 क्रॉस होगा या पुट का चार्ट 60 क्रॉस होगा तो मुझे ट्रेड करना है, राइट। या फिर ये वीडियो को आप दूसरी तीसरी बार देखो तब आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री, जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार और अच्छे से समझेगा, एक बार में नहीं समझेगा और एक बार में किसी को समझ में आए, मेरे को भी नहीं आएगा, जितनी बार मैं सिखा रहा हूं उतनी बार और मेरे को भी समझ में आ रहा है, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल इमीडिएटली गो एंड चेक आउट द करंट मार्केट चार्ट्स आल्सो। पहले एक चार्ट तो देखा हमने, अब दूसरे कुछ चार्ट दिखा रहा हूं जो अभी अभी के है, राइट। लास्ट वीक निफ्टी का